बार क्या होता है ना, मेहमान जब आते हैं ना तो बच्चे माँ बाप के सामने मिसबिहेव करने लगते हैं। नॉर्मली ऐसे अच्छे होते हैं, लेकिन कोई सामने आता है ना तो पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, कुछ और ही बिहेव करने लगते हैं। ये अब्दुल समी और ये रेहान, ये दोनों अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मेहमान सामने आए तो तभी अच्छा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? मेहमान है तो अच्छे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? और अच्छे रहना चाहिए कि कम अच्छे? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, मेहमान सामने आते हैं ना तो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते, बोले मेहमान को मैं दिखाऊंगा, तो ऐसा करना चाहिए? अम्मी अब्बा के साथ बैड बिहेवियर करना चाहिए? नहीं। मेहमान के सामने या मेहमान के पीछे बैड बिहेवियर कहाँ करना चाहिए? पीछे नहीं। हाँ, करना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। मेहमान के सामने भी नहीं करना चाहिए, मेहमान के पीछे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है वो हमारे माँ बाप है, उनकी इज्जत है। हाँ, और अगर हम उनकी इज्जत करेंगे, माँ बाप के साथ अच्छे रहेंगे तो कौन खुश होता है? अल्लाह ताला खुश होता है। और हमें अल्लाह से अजर चाहिए नहीं चाहिए? तो माँ बाप को परेशान करना चाहिए? एक तो मेहमान को संभालो, उनका ख्याल रखो, उसमें बच्चे परेशान करें, ऐसा अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो बच्चे परेशान करेंगे कि हेल्प करेंगे? हेल्प इंशाल्लाह। तो मेहमान के सामने जिद कर सकते हैं? जिद नहीं। कोई बड़े लोग बात करें तो छोटे लोग वाटर लगे। हाँ, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चे जाके हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको मान लो साइकिल चाहिए, साइकिल, और अम्मी अब्बा दे नहीं रहे, अब ये मेहमान आ गए, इनके सामने अगर जिद करेंगे तो साइकिल मिलने के चांस लगते हैं? बोले अम्मी मुझे साइकिल चाहिए साइकिल, तो अम्मी बोलेंगे देती हूँ देती हूँ, तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। अगर साइकिल मिल भी गई तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई चीज चाहिए मेहमान के सामने जिद नहीं करना चाहिए, मेहमान के सामने तो बोलने का। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है, देने वाला कौन है मालूम है? जो आपके लिए अल्लाह ताला मुकर्रर किया ना, वो आपको मिलकर रहेगी। अगर अल्लाह ताला ने साइकिल रखी है ना आपके लिए, तो आपको साइकिल मिलकर रहेगी, और अगर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि साइकिल नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, आपको पता ही है। दूसरी थी, देखो क्या होता है ना, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रखा है ना मेरे बच्चों, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो अच्छे तरीके से लो चाहे तो गलत तरीके से लो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को मिलने वाली थी साइकिल, लेकिन उसने गलत तरीके से लिया, उसने चोरी करके लिया, उसने किसी और को तकलीफ पहुंचा के लिया, मम्मी अब्बा को तकलीफ पहुंचा के लिया, लेकिन वो लेके फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो फेल हो गया। हाँ बच्चों, तो ऐसे जिद करना बुरी बात है। अम्मी अब्बा को इज्जत देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मेहमान आए हैं तो उनको क्या बताएंगे? जैसे अम्मी ने बोले कि रेहान पानी लेकर आओ, तो रेहान सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, के फौरन लेके आए। हाँ, अफरा बिना बोले, खुदा बिना बोले, माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात। इस बात के लिए आपको पेंसिल मिलेगी इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात बोले। तो हम देखते हैं क्या है, अम्मी बोल रहे हैं कि लेकर आओ, ये करो, फैन ऑन करो, वहां पे दस्तरखान बिछाओ, पानी का जग लगाओ, खाना लगाओ, ये उठाओ, ये करो, हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? बिना पूछे। अच्छा, एक बार करेंगे कि दो बार? पूरी लाइफ में नहीं, यानी अम्मी अब्बा की बात कितनी बातें सुनेंगे पूरी लाइफ में? हाँ, पूरी जिंदगी में। माशाल्लाह, मेहमान आए हैं तो मेहमान के सामने अम्मी अगर कई बातें बोल रहे हैं तो सब बातें सुनेंगे? बिना बोले जब मेहमान चले गए चलेंगे। अच्छा, बैक आंसर करते हैं कुछ बच्चे, बैक आंसर, तो ऐसा करेंगे? बैक आंसर करना बहुत बुरी बात है। हाँ, बैक आंसर करना बहुत बुरी बात है। हाँ, उसमें ऐसा लगता है कितने बदतमीज बच्चे हैं ये, ऐसे बताना चाहिए अपने आप को कि हाँ मैं बहुत बदतमीज हूँ, औज़ु बिल्लाह, तो ये तो बहुत बुरी बात है। दुनियावी एतबार से बुरा है और आखिरत के एतबार से बुरा है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।